एक्सरसाइज ये है कि आपने अपनी बॉडी को स्कैन करना है. स्कैनिंग समझते ना कैसे आप मैं नहीं. आपने कभी देखा होगा कि पुराने प्रिंटर होते थे वो इस तरह करके प्रिंट करते जाते थे ऐसे ऐसे देखा होगा. आपने आपकी बॉडी फर्स्ट करें 5 फीट की है तो कितने इंच हो जाएंगी ये 60 दफा आपने स्कैन करना है अपनी बॉडी को. अपने बालों से शुरू होना है और आस्ता आस्ता नीचे की तरफ आते जाना. समझ रहे हैं? आपने स्कैन करना, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, दुनिया की बहुत बड़ी एक्सरसाइज है. बॉडी को अंदर से स्कैन करना है बात जी बाहर से नहीं. बाहर पहले हमने बाहर से करना है फिर उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा आपके अंदर आपकी बॉडी के अंदर आप जाएंगे फिर आपने अंदर वाले हिस्से को स्कैन करना है. लेकिन आपने आगाज में आगे से अपनी बॉडी को जो आपका माथा है माथे से आस्ता आस्ता नीचे उतरते जाए और नीचे बिल्कुल आप अपनी जो आपके पांव है वहां तक आ जाना है. फिर उसके बाद मैं आपको चेंज करूंगा फिर मैं कहूंगा कि आप छह साइड अपनी पूरी बैक साइड स्कैन करें फिर आपने बैक साइड को स्कैन करना है. फिर मैं आपको कहूंगा कि आपने सामने से आधे हिस्से को स्कैन करना है जो आपका आधा हिस्सा है ना इसको स्कैन करना है. फिर आपने दूसरे आधे हिस्से को स्कैन करना है फिर पीछे से इस तरह से थोड़ा सा टाइम आपने देना है क्योंकि तसव्वुफ को सीखने का बेहतरीन तरीका है ना वो यही है कि आपने आहिस्ता 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 ये स्कैनिंग से अंदर की तरफ जाना है. तो अंदर जो चीज़ें आपके पड़ी हुई हैं जहाँ जहाँ भी फिर उसको स्कैन करना है. फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर अंदर ही आप एक खास किस्म की तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी. जैसे आज बड़ी चीज सीखी है कि नींद आपने पूरी लेनी है. हमारे अक्सर बेटर जो बच्चे खासकर उनको प्रॉब्लम आ गई है कि उनका दिन जो है ना वो बहुत लेट जाकर खत्म होता है और दिन जो है बहुत लेट शुरू होता है उनका. यानी जो प्रॉब्लम आई है मैं जो महसूस कर रहा हूँ और उनसे उनकी सेहत भी खत्म हो गई है. जो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि मगरब के बाद सोने की कोशिश करो. मगरब के बाद सोने की और जल्दी से जल्दी और अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ. क्यों? आपने देखा परिंदे आज तक हमारे साथ जिंदगी गुजार रहे थे क्योंकि उन्होंने बल्ब नहीं याद किया बेचारों ने. हमने बल्ब याद किया और हमारी रात खत्म हो गई. और ये जितनी प्रॉब्लम आपको आज आई हुई है स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन और जितने भी हमारे अंदर मुख्तलिफ किस्म की 4,800 किस्म की बीमारियां हमें चिपटी हुई हैं उस सारी बीमारियां हमें लग चुकी हैं क्योंकि हमने वो जो नेचर का कानून था उसको फेंक दिया और उसकी वजह से आज हमारे अंदर बहुत सी प्रॉब्लम और बीमारियां हैं. तो कोशिश करना है कि हम इससे भी छुटकारा. जी क्लोज योर आईज. आपकी जो अवेयरनेस है उसको आपने अटेंशन कर लें या फोकस कर लें. आपने फोकस करना है या अटेंशन लगता दो याद रखते हैं. जिसम के किसी हिस्से पे भी फुल फोकस पर के अंदर पॉम्प पे किया अंगूठे पे किया तो मेरा फुल ध्यान उधर चला गया. उस पर फोकस करना है एंड स्टार्ट फीलिंग व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर एंड ड्रॉप ऑल द आइडियाज. बस ये छोटा सा पॉइंट.